जब आप मरीज़ को या मरीज़ की फैमिली को कुछ बता रहे होते हैं तो आप साइंटिफिक तरीके से बताएं, आप उन्हें बताएं कि जी ये एविडेंस बेस है, इस दवाई से इतने लोग इतने फीसद ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इस दवा को रेगुलरली खाएंगे और आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमें ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में रखें, हम उससे डील करेंगे। तो ये प्रिवेंशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जैसे हमने पहले भी कहा कि एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते इस बात पे कहने के, सो सिंसियरेस्ट मेडिकल एडवाइस इज़ डू नॉट मैरी योर कजन्स, ठीक है? तो उसमें पूल जो है जीन्स का रिसर्कुलेट होता है, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बीमारी डेवलप हो। तो एक तो प्रिवेंशन का किसी हद तक शायद एक ये भी कुलिया है, दूसरा ये है कि अच्छा लाइफस्टाइल, जेनी लाइफस्टाइल आप रख सकते हैं लेकिन कुछ बीमारियां आर इनएविटेबल डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स। तो ये भी ऐसी बीमारी है जैसे किसी को कोई खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस से आप रिकवरी में हेल्प तो बहुत ज़रा कर सकते हैं, बट प्रिवेंशन का शायद रोल जो है एक हद तक है, लेकिन प्रिवेंशन लाइफस्टाइल चेंजेस में रिलैप्स प्रिवेंशन में बहुत फ़ायदा है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि फर्स्ट कज़न मैरिजेज़ नहीं होनी चाहिए, तो अब दुनिया में ये चीज़ तो अज़रेमंद शम्स है कि जितना अच्छे तरीके से रिश्ते नाते होंगे उतना ही अगली नस्ल फ़ायदा उठाएगी। तो अगर आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी युगेंडा की खातून से शादी करते हैं तो एक तो ये बीमारियां नहीं होंगी, दूसरा नज़र नहीं लगेगी बच्चे।